yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Hello Vinil bhai, welcome back to Discuss Ninja. Hi Niranjan, how are you? I'm fine sir. Sir, काफ़ी जन का comment और message आता है कि how to grow Discuss fast. Okay. और वो भी विनिल भाई से ही जानना चाहते हैं, तो सर उसके बारे में कुछ कहेंगे. Actually Discuss fast grow करने का ऐसा कुछ ये टेक्निक नहीं है. The only thing I can say is start with good genetics. Okay. A good quality Discuss. हाँ. क्योंकि Discuss का growth है ना बर्थ, मतलब वो पैदा होने से है ना, उस पर जो एफर्ट्स यूज करते हैं ब्रीडर्स का, सबसे मेन एफर्ट होता है ब्रीडर का. ब्रीडर जितना मेहनत करेगा ना उतना ही Discuss आगे आपको रिजल्ट्स देगा. सही बोले. तो कुछ जगह पे ऐसा होता है ना कि किसी को मैं ये नहीं बोलूँगा, कुछ लोग नए ब्रीडर्स होते हैं, मे बी उनको पहले फिगर आउट करने टाइम जाता है कि कैसा न्यूट्रिशन देने का, कैसा डाइट देने का, देन अगेन उनका स्टॉक बार बार बोलता है ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं स्टॉक में, तो वो स्टॉक आपका कभी भी है ना एकदम 100% आपको रिजल्ट नहीं देगा. नो डाउट इवेंचुअली ऑल Discuss विल टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल एडल्ट. बिल्कुल. बट ये जो फास्ट ग्रोथ का कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो जेनेटिक्स से रहता है, एंड सेकेंड इज कि स्टार्ट से ही वो फिश को अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए. बिल्कुल. जो ब्रीडर है या जो भी अच्छा रेप्यूटेड ब्रीडर है, अगर वो अच्छे से स्टार्ट देता है तो उसके बाद हर लेवल पे उसको हमको मॉनिटर करना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रीडर ने मेहनत किया तो आगे जाके मच्छी फास्ट ग्रो करेगा. उसके आगे एक हॉबिस्ट का भी जिम्मेदारी होता है, मे बी रेजर. कभी कभी ब्रीडर के पास रेजर के पास जाके रेजर अगर अच्छे से ध्यान नहीं रखेगा तो ग्रोथ स्लो हो जाता है. ये तो सारी मतलब ह्यूमन फैक्टर्स हो गए, बट प्रैक्टिकली देखा जाए कि क्या है, मतलब Discuss कैसा फास्ट ग्रो करेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज टेम्परेचर. ओके. Discuss को टेम्परेचर अगर 28 से 30 देंगे ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म इज मोस्ट एक्टिव इन दैट स्टेज. मतलब सबसे ज्यादा उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है बिटवीन 28 एंड 30. तो ये एक टेम्परेचर आप मेंटेन करो तो आपका Discuss का खाना पीने का पाचन शक्ति अच्छा होएगा. ओके. एट द सेम टाइम आपको गुड वाटर चेंजेस दे रहे हैं. वाटर चेंजेस मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी चेंज करते जाओ करते जाओ. बराबर. अमोनिया नहीं रहना चाहिए पानी में. ओके. किसी भी टाइप का कंटेमिनेशन नहीं, बायोलोड नहीं रहना चाहिए. हाँ. तो सपोज अगर कोई लॉट आप रेस कर रहे हो. हाँ. मेरा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि 3 times अगर आप फीड कर रहे हो तो 1 time 80-90% वाटर चेंज होना चाहिए. ओके. और जरूरी नहीं है कि फीडिंग इज इम्पोर्टेंट. फीडिंग तो इम्पोर्टेंट है. हाँ. बट वाटर क्वालिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके. वाटर क्वालिटी एंड टेम्परेचर. तो अगर आप पूछेंगे कि मेरा मच्छी 3 महीने में इतना जल्दी बड़ा हो गया, या किसी और का मच्छी वही 2 महीने में बड़ा हो गया एंड आपका 6 महीने में भी उतना बड़ा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें. क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. इनका ग्रोथ एज के ऊपर नहीं होता. इनका ग्रोथ होता है कि वाटर क्वालिटी, जीनोटाइप, फिनोटाइप, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं. ओके. तो जब उनको आइडियल पैरामीटर्स मिलते हैं, आइडियल वाटर कंडीशंस मिलते हैं, आइडियल फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट मिलता है, देन दे विल ग्रो वेरी फास्टर रेट, एट वेरी फास्टर रेट. ओके. तो कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि विनील भाई कितना वाटर चेंज करना चाहिए, मैं हॉबिस्ट हूँ, मुझे रेसिंग करना है, ये करना है, तो कितना वाटर चेंज करने से बेटर है कि आप वाटर एक टेस्टिंग किट ले लो, अमोनिया चेक करो. हमेशा तो जरूरत नहीं, बट जब आप स्टार्ट में नया नया करेंगे ना. ओके. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल द पैरामीटर्स. टेम्परेचर हो गया, आपका अमोनिया लेवल्स हो गया,
एंड देन अगेन बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है, बट आई थिंक दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. अमोनिया एंड टेम्परेचर. ओके. टीडीएस वगैरह तो मैं चेक नहीं करता हूँ, बिकॉज मुंबई में इतना जरूरत नहीं पड़ा मेरे को कभी टीडीएस पीएच, तो कभी किया ही नहीं मैंने, वो सब चेक ही नहीं होता. आई डोंट नो एक्चुअली, तो मैं कुछ गलत इन्फो नहीं देना चाहता हूँ. तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप बेयर बॉटम टैंक रखते हो विदाउट फिल्ट्रेशन, तो स्टॉकिंग डेंसिटी भी उसी हिसाब से रखो कि जितना आपका टैंक सपोर्ट कर पाए. अगर आप 4 फीट टैंक में 100 मच्छी रखेंगे, आप 100% भी पानी चेंज कर रहे हो, तो आपको बेस्ट ग्रोथ नहीं मिलेगा. किधर ना किधर आपको वो स्टॉकिंग डेंसिटी भी कम करना पड़ेगा. सो अगर बहुत जन पूछते हैं व्हाट इज द आइडियल स्टॉकिंग डेंसिटी, तो ये भी ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है. सही बोले. कोई कोई जन 4 फीट में 10 मच्छी रेस करेंगे, कोई 20 करेंगे, कोई 50 करेंगे, बट सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है. बराबर. सब ओवर द इयर्स ही सीखते हैं. सही बोले. तो स्टार्ट विद द लेसर क्वांटिटी आई विल से. नए हो तो 10 से ही चालू करो, धीरे धीरे 15-20 पे जाओ. ओके. एंड इवेंचुअली ओवर द इयर्स जब एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो यू कैन मैनेज 50 ऑल्सो. ओके. क्योंकि अपने है काफी लेजेंड्स मुंबई में, तो उन्होंने तो 50-50 मच्छी 100-100 मच्छी भी रेस किया है. बराबर. जो अभी तक मेरे को पॉसिबल नहीं है. तो मैं अभी तक वो लेवल नहीं बोल, तो मैं क्या उसके बारे में बताऊँ. विनील भाई, और एक बात छोटी पूछनी थी. आपने मुझे मतलब थोड़ा महीने पहले बोला था कि नाइट लैम्प या कुछ डिस्कस के रूम में एक लाइट सोर्स होना चाहिए नाइट में. तो सर वो क्या फैक्टर, मतलब ग्रोथ में क्या फैक्टर काउंट होता है वो? एक्चुअली एक मैंने पढ़ा है, अगेन कुछ मेरे पास प्रूवन ये नहीं है उसका, बट फ्रॉम व्हाट आई रेड वाज कि जितना टाइम लाइट्स चालू रहता है ना, फिश का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट रहता है. ओके. द मिनट यू स्विच ऑफ द लाइट्स ना, फिश विल गो इन स्टैंड बाय मोड. स्टैंड बाय मतलब फिश नेवर स्लीप. ओके. सोता नहीं है. एक बोलते हैं थोड़ा हाइबरनेशन जैसा. ओके. मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, एंड ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है. ओके. तो ओवरऑल मतलब वो एक इनएक्टिव फेज रहता है फिश का. ओके. तो आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप 8 आवर्स लाइट बंद रखते हो, फिश डार्क, आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा लाइट एकदम डार्क कर देते हो, तो आप देखेंगे कि डिस्कस एक कोने में सिर्फ बैठा रहेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत है. ओनली थिंग इज कि वो टाइम पे उनका सब कुछ बॉडी मूवमेंट सब स्लो हो चुका है, तो उससे भी ग्रोथ रेट अफेक्ट होता है. ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, तो उनका सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीजन भी कमी हो जाएगा, स्लो ही हो जाएगा. ओके. दिस इज व्हाट आई हैव रेड. एंड पर्सनली मैंने जो नोटिस किया है ना, मैं एक छोटा लाइट चालू रखता हूँ दो रीजन से. ओके. तो मच्छी डरता नहीं है, तुरंत हम लाइट चालू करेंगे या रूम में जाएंगे तो डरेगा नहीं, उसलिए मैं एक लाइट चालू ही रखता हूँ. ओके. एंड बहुत जन का ये भी कंसेप्ट है कि अगर आप 8 आवर्स इज 1/3 ऑफ द टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स, अगर 8 आवर्स आप बंद करते हो, तो आपका मच्छी का ग्रोथ 1/3 टाइम स्लो हो जाता है. ओके. ओके. ये मैंने पढ़ा है. तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो, एक दिन का नहीं बट ओवर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड देखो, तो जितना मच्छी आपका 2 महीने में ग्रो होना चाहिए, वो 3 महीने में ग्रो होगा. बराबर. क्योंकि आप 8 आवर्स डेली लाइट बंद कर रहे हो. तो और भी लॉन्गर फ्रेम में देखो, जितना आपका मच्छी 12 मंथ्स में ग्रो होना चाहिए, उसको 15 मंथ्स लगेगा. सही बोले. तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड, वो लॉन्गर टर्म में एंड ब्रीडर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रोथ रेट. हॉबिस्ट को चल जाएगा. बराबर. सो हॉबिस्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो कैसा ना, हॉबी अलग रहना चाहिए, एंड जो ब्रीडर्स जो रेस में भाग रहे हैं, रेजर्स जो रेस में भाग रहे हैं, उनके लिए अलग रहना चाहिए. हॉबी सिर्फ एंजॉय करना चाहिए हॉबी. सही बोले. लाइट चालू रखो, ये करो, वो करो, वो सब इरिलेवेंट है. बट प्रोफेशनल जो सिर्फ मच्छी को ग्रोथ, लाइक बोलते हैं ना, जितना फास्ट ग्रो करेगा उतना वो ज्यादा कमाएगा, अगर वो कंसेप्ट से चलना है तो 24 घंटा कुछ तो लाइट सोर्स देना चाहिए. फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेचर में तो अंधेरा होता है, तभी क्या. तो नेचर में ऐसा है कि नेचर ही है कि बराबर 8-10 घंटा लाइट चला जाता है, तो मच्छी अपने आप रिवर के बॉटम में चले जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं. बट देन अगेन ना, नेचर में किसी को भागना नहीं है किसी के आगे. बराबर. तो वो नेचर का रूल है कि
आधा आधा टाइम लाइट रहेगा आधा टाइम नहीं रहेगा. समटाइम्स मून लाइट रहता है कभी कभी मून लाइट नहीं रहता है. जब मून लाइट रहता है तब वो लोग शायद खाते रहेंगे, जब नहीं रहेगा तो नीचे बॉटम में जाके बैठते रहेंगे. बराबर बराबर. तो वो सब अलग है, मतलब डिबेट कर सकते काफी. एंड कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है कि ऐसा लाइट चालू ही रहना मांगता है नहीं रहना मांगता. तो अगेन मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ 100% फुल प्रूफ. बट मैं पर्सनली चालू रखता हूँ लाइट्स. एक डिम लाइट रहता है, ऐसा नहीं पूरा सब लाइट चालू, बट एक डिम लाइट चालू रखता हूँ मैं. विनील भाई एक छोटा डाउट था कि वाटर वॉल्यूम, मतलब टैंक का वाटर वॉल्यूम कितना ग्रोथ में काउंट होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर छोटे बेबीज आपको आप छोटे टैंक में रेस करेंगे तो जल्दी ग्रोथ होता है क्योंकि उनका एनर्जी बर्न कम होता है. ऐसा कुछ है, मिथ है या क्या है, वो कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी इसका दो कंसेप्ट है. जब बेबीज छोटे रहते हैं ना तो सबसे पहला उनको फूड सोर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर. तो अपन ब्राइन श्रिम देते हैं. जितना बड़ा टैंक रहेगा उनको ढूंढने में उतना तकलीफ होगा ब्राइन श्रिम. उसलिए हम छोटा क्यूब्स में बच्चे को रेस करते हैं सो देट उनको तुरंत बहुत आसानी से फूड मिल जाए. बराबर. एंड सेकेंड चीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पानी का, जितना अपन पानी ज्यादा वॉल्यूम में रखेंगे उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा. एंड बींग बेबीज ना, उनका ब्लड वेन्स, उनका जो टिश्यूज उतना प्रेशर हैंडल करने के लिए नहीं बना रहते हैं. ओके ओके ओके. तो उसलिए अपन बोलते हैं कि पानी का लेवल भी कम रखो बच्चों के लिए, टैंक छोटा रखो. बट एज सुन एज दे आर वन इंच प्लस ना, ओके, तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स काउंट नहीं करते. ओके ओके. फिर उसके बाद तो आप जितना स्पेस देंगे बच्चों को घूमने के लिए उतना वो जल्दी ग्रो करेंगे. बिल्कुल. तो दिस इज ओनली ट्रू कि छोटा टैंक अप टू अ सर्टन एज, लाइक थंबनेल साइज 1 inch साइज, उसके बाद तो जितना आप उसको स्पेस देंगे उतना मच्छी अच्छा ग्रो करेगा. बराबर. मैं पर्सनली अभी एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ जिसमें मैंने काफी बड़े वॉल्यूम्स के टैंक्स मंगाए हुए हैं एंड उसमें मैं कुछ बेबीज रेज करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि नॉर्मल 4 feet टैंक में बड़े टैंक्स में क्या डिफरेंस मिला ग्रोथ रेट में. तो वो भी मैं फ्यूचर में शेयर करूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. वो भी मेरा एक्सपेरिमेंटल स्टेज ही चल रहा है. नहीं सर, काफी मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड हूँ सब सेटअप और आपका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए. तो मैं उम्मीद करूंगा जल्दी वो भी हमारे व्यूअर्स को देखने मिले. श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली. एंड आपके चैनल पे आएगा सबसे पहला वीडियो. थैंक यू. सी की अच्छा सक्सेसफुल हो गया वो एक्सपेरिमेंट. बिल्कुल. तो रिजल्ट्स मैं आपके चैनल पे पहले शेयर करूंगा. थैंक यू सर. यस. एंड एक लास्ट, डाइट जो ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, डाइट एक बैलेंस डाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. बराबर. सिर्फ प्रोटीन्स देके नहीं चलेगा. तो प्रोटीन्स जितना छोटा फिश है उतना प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करेगा. बराबर. बट एज द फिश ग्रोज ना, एज इट बिकम्स एडल्ट ना, तो प्रोटीन का उनका रेशियो भी कम होना चाहिए डाइट में. ओके. ऐसा नहीं है कि 1 inch के मच्छी को भी हाई प्रोटीन दे रहे हैं, 3 inch को भी हाई दे रहे हैं एंड पेयर्स को भी हाई दे रहे हैं. ओके. तो वो एक डाइट बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है. बट फिलहाल अपने इधर कुछ फूड पे इतना R&D नहीं होता है तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना प्रोटीन क्या साइज के फिश के लिए चाहिए. बराबर. मतलब वी आर लैकिंग इन दैट सेक्टर, डाइट वाला सेक्टर. तो वही अपना जो चल रहा है कमर्शियल पैलेट्स, उसमें 50-55% प्रोटीन है. तो वही उतना प्रोटीन हम फॉलो करते हैं. अगेन एनिमल हार्ट में भी उतना ही ऑलमोस्ट 50+ प्रोटीन रहता है. बराबर. तो उतना एक्चुअली अच्छा है. मतलब बेबी से लेकर एडल्ट तक मैं सेम ही फूड देता हूँ. बट एक्चुअल में इफ यू वर्क ऑन दैट फैक्टर ना, देन आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड दिस ग्रोथ मच बेटर. सही बोले, सही बोले. कि कितने प्रोटीन में क्या साइज में कितना ग्रोथ अच्छा मिलेगा. सही है, सही है. वो ऑप्टिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल. ऐसे नहीं है कि मच्छी ग्रो नहीं कर रहा है, मच्छी ग्रो कर रहे हैं बट ऑप्टिमल ग्रोथ वी डोंट नो अभी. उतना हमने R&D नहीं किया है. ओके ओके. तो बस यही सब पैरामीटर्स है, गुड वाटर, गुड फूड, गुड वाटर टेम्परेचर. And I should mention कि try to see कि आपका मच्छी है ना बीमार ना गिरे. बराबर. क्योंकि मच्छी बीमार गिरता है ना तो 10-15 दिन तो उसका ऐसे निकल जाता है, वो बीमारी को फाइट करने में उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. तो अगेन वो उतना टाइम के लिए मच्छी का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है या फिर पीछे पड़ जाता है मच्छी. ओके ओके. तो try to see कि मच्छी कम बीमार पड़े. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगर कुछ सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स कैच करो. हाँ. जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू करो सो दैट
वो बाद में बड़ा बीमारी ना बने, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ग्रोथ के लिए। एंड ग्रोथ का टॉपिक तो ऐसा बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत लोग को अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस ही है। ग्रोथ इज मोस्टली ऑन एक्सपीरियंस। बिल्कुल, मैं अगर कितना भी बताऊं कि आई कीप 50 फिश इन 4 फीट टैंक, आई फीड 6 टाइम्स, आई डू 2 टाइम्स वाटर चेंज, तो भी मेरा और आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अलग अलग रिजल्ट है। तो एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, सेकंड इज रेस्ट ऑफ द थिंग, आपका डाइट, जेनेटिक्स, वाटर टेम्परेचर एंड ये। सो थैंक यू वेरी मच विनील भाई, आपने डिस्कस निंजा को टाइम देके काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा। वेलकम निरंजन, थैंक यू, बाय सर, बाय। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। हाँ सर, एट द एंड बहुत टाइम बाद अपने ये डिस्कस कर लिया। नहीं सर, सच्ची में जो नए ऑफिस थे उनको ये क्वेश्चन आता ही है सबको, इवन मुझे भी आता था, तो अच्छा हो आपने ये मेन। ग्रोथ इज नेवर स्पेसिफिक, हर एक लॉट का अलग अलग ग्रोथ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक स्ट्रेन का अलग अलग ग्रोथ मिलता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड, क्लाइमेट में अलग अलग ग्रोथ होता है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स है ग्रोथ के लिए, या एक या दो फैक्टर्स नहीं है। सही है, मैंने तो अभी हार्डली 5-6 फैक्टर्स गिना है, बट देर आर उससे भी ज्यादा, लाइक मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमने सोचा भी नहीं, वो सब फैक्टर्स भी है। सही है, सही। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू। ओके निरंजन, बाय बाय सर।